प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सूदखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी पर अमल करते हुए हरदा पुलिस अधीक्षक ने जिले के प्रत्येक थानों के बाहर सूदखोरों के खिलाफ शिकायती पेटी लटका रखी है, पर क्यों पीड़ित उन पेटियों में शिकायत डालने की जगह मौत को गले लगाने को मजबूर हैं। इस संबंध में जब पुलिस अधीक्षक से बात की तो उन्होंने कहा कि सूदखोरों के विरुद्ध शिविर लगाकर लोगों को समझाइश भी दी थी, परंतु अब लोग सामने नहीं आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरदा में सूदखोरी की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने खुदकुशी की थी और यह मामला जो था वो पूरा कर्ज चुकाने को लेकर जुड़ा हुआ था, जिसके अनुसार कर्ज चुकाने के बाद भी सूदखोर स्टाम्प और ऋण पुस्तिका नहीं लौटा रहे थे। जिसके मिले मृतक के जो सुसाइड नोट मिला है उसमें उसने लिखा कि मम्मी पापा और भैया आप लोग रोना मत, मैं थक गया हूँ जिंदगी से। आपको बता दें करीबी गांव मजली निवासी नीरज की उम्र महज 33 साल थी। नीरज ने सोमवार को सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक नीरज बांके शहर के मॉल में काम करता था। वहीं दीपक के पास मिले सुसाइड नोट में तुलसी राम कमल दो नाम सामने आए हैं। वहीं सुसाइड नोट के अनुसार कमल जो अब गांव का निवासी है उसके कारण दीपक ने आत्महत्या की है। देखिए ये जो घटना है सरस्वती लॉज की है, वहाँ पर एक व्यक्ति उसने सल्फास की गोली खा ली थी और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। उस सुसाइड नोट में डॉक्टर कमल का नाम बताया है। उस सुसाइड नोट में उसने बताया कि मैंने 2,60,000 रुपये डॉक्टर कमल से लिए थे, उसके एवज में 3 लाख रुपये दे चुका हूँ। इसके बाद भी वो 3,10,000 रुपये मांग रहा है। तो इस संबंध में और कोई उसने बातें नहीं लिखी है सुसाइड नोट में। इसके अलावा कॉल डिटेल्स और उसके परिवार के कथन, रिश्तेदारों के कथन लेंगे, उसके आधार पर जो भी मर की जाँच होगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। देखिए ये जो घटना है सरस्वती लॉज की है, वहाँ पर एक व्यक्ति उसने सल्फास की गोली खा ली थी और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। उस सुसाइड नोट में डॉक्टर कमल का नाम बताया है। उस सुसाइड नोट में उसने बताया कि मैंने 2,60,000 रुपये डॉक्टर कमल से लिए थे, उसके एवज में 3 लाख रुपये दे चुका हूँ। इसके बाद भी वो 3,10,000 रुपये मांग रहा है। तो इस संबंध में और कोई उसने बातें नहीं लिखी है सुसाइड नोट में। इसके अलावा कॉल डिटेल्स और उसके परिवार के कथन, रिश्तेदारों के कथन लेंगे, उसके आधार पर जो भी मर की जाँच होगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी।